यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से सजावट के भी अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जयकारों से यहाँ पर, माता के जयकारों से पूरा माता मनसा देवी का मंदिर गूंज उठा है। श्रद्धालु यहाँ पर दूर से अपने मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं काफी मन्नतें दिल में लेकर माता के दरबार में पहुंचे हैं श्रद्धालु। इनसे बातचीत कीजिए, इनसे पूछिए आज क्या कुछ दिल में लेकर आए हैं और क्या मनोकामना करते हैं। कहां से आए हैं? हम पिंड से आए हैं, गांव से। क्या मनोकामना माता के दरबार में लेके आए? खाली झोलियां भराने आए हैं बस। पहले भी आते रहे हैं आप? बहुत देर से आते हैं, हमारी कुल देवी है ये। आप क्या लेकर आए हैं मनोकामना? गुड विशेस के लिए। कहाँ से पहुँचे हैं आप? लोकल है हम। लोकल आए हैं आप? हमेशा से ही आते रहे हैं? हर ट्यूसडे आते हैं हम। भंडारे में नवरात्रों में आप आए हैं, पहले नवरात्रि में क्या मनोकामना लेकर आए हैं? परिवार खुश रहे और हम सदा सुखी रहे। इनसे पूछिए घर पर किस विधि के साथ पूजा पाठ करेंगे आज? ये मंदिर में तो ठीक है, भगवान के दर्शन करें, लेकिन घर पर कैसे? हम अखंड जोत जलाते हैं और फास्ट रखते हैं, सुबह उठ के हर रोज आरती करते हैं और पूजा करते हैं। ओके, नौ नवरात्रे रखे हैं। ओके, नौ। पहले भी आते रहे हैं? अभी इस बार नहीं रखे। आप कहाँ से पहुँचे हैं? संगरूर से। नवरात्रे में किस तरीके से माता को खुश करते हैं? हम पूजा करते हैं माता की और आज हम अपनी बेटी की पहली बार इसकी झंड लगाने आए हैं। क्या लगता है माता मनोकामना पूरी करती है? जरूर करेगी जी, सबकी करेगी जी। आप कहाँ से पहुँचे हैं? पंचकुला से हैं। पंचकुला से आए हैं, माता मनोकामना पूरी करती है? पूरी करती है। श्रद्धा के साथ आप आए हैं यहाँ पे, पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं? व्रत रखते हैं? व्रत शुक्र करके व्रत जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं, स्थानीय लोगों के अलावा कई आपको लोग देखने को मिलेंगे। माता सबकी मनोकामना पूरी करती है, ये मन में भाव है सभी श्रद्धालुओं के। और माता मनसा देवी के मंदिर की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रहा है ये मंदिर, शक्ति पीठों में से एक माना जाता है मनसा देवी का ये मंदिर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खूबसूरत सजावट, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ऐसा शक्ति पीठ है, यहाँ पर अकेले पंजाब से नहीं, हरियाणा, हिमाचल या फिर दूसरी स्टेट से भी लोग दूर दराज से आते हैं। ये माता के दर्शन आप कीजिए नवरात्रि का पहला दिन और माँ के ये पावन स्वरूप का, शैलपुत्री जी का ये मनमोहक चेहरा, खूबसूरत ये प्रांगण और सीधा दर्शन। लिविंग इंडिया न्यूज़ पर आप देखिए किस तरह से, और आप ही मनोकामना हमारे माध्यम से माता से मांग सकते हैं। और छोटी छोटी देवियां भी आपने देखी यहाँ पर पहुँची हैं, पहली बार मुंडन करवाया कई लोगों ने, काफ़ी खुश लोग नज़र आ रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि जो नवरात्रि हैं आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और आप भी तरक्की करें हमारे साथ। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मंदिरों में ये धूम मच रही है,